बिग बॉस OTT 3 में हिस्सा लेने के बाद से ब्लॉगर अरमान मलिक की पर्सनल लाइफ और ज्यादा लाइमलाइट में आ गई है। उनकी वाइफ पायल शो से बाहर हो चुकी हैं और दर्शकों के कई सवालों के जवाब भी दे रही हैं। अरमान की दो बीवियां ज्यादातर लोगों ने देखी हैं। जब वह शो में थे तो उनकी तीसरी शादी का भी जिक्र आया था। जी हाँ, अब पायल ने शो से निकलकर इस पर भी बात की है। पायल ने बताया कि यह सच है कि अरमान की 3 शादियां हुई हैं। पायल बोली कि पहली शादी से तलाक लेने के बाद ही अरमान ने उनसे शादी की थी। उन्होंने बताया कि अरमान की पहली पत्नी भी दूसरी शादी कर चुकी है। जी हाँ, बिग बॉस OTT शुरू होने के बाद से दर्शक अरमान मलिक की जिंदगी पर काफी डिस्कशन कर रहे हैं। शो से दूसरा इवेक्शन अरमान की वाइफ पायल का हुआ है। दर्शकों को इसकी उम्मीद नहीं थी। न्यूज पोर्टल में बातचीत के दौरान पायल ने अरमान की तीसरी शादी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अरमान का नाम संदीप था। जब वह नाबालिग थे तो उनकी शादी हो गई थी। पायल बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी शादी से पहले उनके पहले ही तलाक हो गया था और वो एक चाइल्ड मैरिज थी जो हरियाणा साइड में हो जाती है। उनके डिवोर्स के बाद ही मेरी शादी हुई। 18 साल से पहले हमारे हरियाणा साइड में कर देते हैं शादी। जी हाँ, पायल ने और भी आगे बताया, पैसे सब उसे दे चुके हैं और वो ऑलरेडी दूसरी शादी भी कर चुकी है। अभी वो शादी में खुश है, उसके शायद बच्चे भी हो चुके हैं। वो तो खुश है अपनी शादी में। अरमान फैमिली को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। लोग लिख रहे हैं कि वे पॉलीग्रामी यानी बहुविवाह को प्रमोट कर रहे हैं। पायल बाहर निकलकर इस पर भी बोली। उन्होंने कहा कि उन लोगों को बहुत दिक्कत हुई, हर औरत ऐसा नहीं कर सकती, दूसरी औरत के साथ इस तरह नहीं रह सकती और मैं लोगों को गलत नहीं कह रही हूँ। वेल, आपको क्या लगता है, क्या अरमान मलिक की फैमिली बहुविवाह को प्रमोट करती है? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज एंड स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।